नमस्कार साथियों, मैं गौरव और अपने YouTube चैनल जीरो लैब साइंस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज हूं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित रीजनल साइंस सेंटर में, और मेरे पीछे आप देख रहे हैं वो एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है, पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूँ। एक ऐसा माइक्रोस्कोप जो बहुत ज़्यादा छोटी चीज़ों को हमें बहुत क्लियरली में दिखा सकता है। जैसे हम किसी वायरस को भी एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो रिजॉल्विंग पावर होती है वो 0.2 नैनोमीटर तक की होती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को 2 लाख गुना बड़ा करके भी दिखा सकता है। जबकि हम जो लाइट माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं उसमें इमेज को हम 2000 गुना बड़ा करके देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम बेसिकली इलेक्ट्रॉन बीम का यूज करते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दोनों में ये बेसिक अंतर है कि एक लाइट माइक्रोस्कोप जो होता है उसमें विजुअल लाइट स्पेक्ट्रम का यूज होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन बीम का यूज होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। इसी की तरह एक और होता है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दोनों में क्या अंतर है? दोनों में सिर्फ इतना ही अंतर है कि जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ट्रांसमिट हो जाते हैं, जबकि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट ना होकर स्कैटर होते हैं। स्कैटर होने के बाद हमें वो ऑब्जेक्ट की एक क्लियर इमेज देते हैं। इसको हम थोड़ा समझते हैं कि इसमें अपने काम कैसे करता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में एक इलेक्ट्रॉन गन होती है। इलेक्ट्रॉन गन के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन पास आउट करता है, और जो इलेक्ट्रॉन पास आउट करता है वो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब ये किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ते हैं तो ऑब्जेक्ट के पड़ने के बाद ये इलेक्ट्रॉन को एमिट करता है, ट्रांसमिट करता है। तो ट्रांसमिट करने के बाद जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उस इलेक्ट्रॉन को रिसीव करते हैं, जिसके थ्रू उस ऑब्जेक्ट की एक इमेज बनती है। उस इमेज को हम यहाँ पर एक मॉनिटर में उस इमेज को देख सकते हैं।